बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी इंटर की बोर्ड परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण किए हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए मार्कशीट को लेकर ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया गया है। इस ऑफिशियल अपडेट में जारी कर बताया दिया गया है कि इंटर का मार्कशीट कब से जाकर आपको 10+2 विद्यालय में चाहे अपने कॉलेज में प्राप्त कर लेंगे। आइए उसके साथ साथ और इस मार्कशीट के साथ साथ आपको क्या क्या मिलने जा रहा है, सभी चीज़ का जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप क्लास 12th में 2024 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आपको काफ़ी दिन से बेसब्री से इंतजार था कि आपका मार्कशीट कब मिलेगा, अर्थात कि मार्कशीट, प्रोविजनल, SLC, ये सब आपको कब मिलेगा, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन में आपको नामांकन भी लेना है, तो ये सब के लिए मार्कशीट आपका जरूर हो गया था। तो आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट जारी कर आपका इंटर का मार्कशीट जारी कर दिया गया। तो आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिशियल पहले नोटिस जारी करता है, क्योंकि मैं आपको काफी पहले से बता रहा था कि आपका मार्कशीट ऐसे नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कभी भी नहीं आपका स्कूल कॉलेज में सीधे जारी नहीं कर देता है। जैसे वह मार्कशीट आपको भेजता है वो अपने कार्यालय से, ऑफिस से, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको DRCC ऑफिस में आपको वहां से जाकर आपको पदाधिकारी, जिला के जो भी आपका शिक्षक होंगे, वो आपको अपने विद्यालय में अपने वहां से मार्कशीट प्राप्त कर वो अपने विद्यालय में लाकर वहां पर जो भी आपका KYP का जो प्रक्रिया हो वहां पर कंप्लीट कर आपको मार्कशीट दिया जाता है। तो आपको यहां पर क्लियर समझना है, ऐसे नहीं, क्योंकि आप देखते थे काफ़ी पहले से आप इसका इंतजार कर रहे थे मार्कशीट का, तो आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा इस पर वीडियो बन चुका था कि मार्कशीट आपका आ चुका है, मार्कशीट इस दिन से मिलेगा। देखिए, मार्कशीट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको कभी भी अचानक जारी नहीं करता, या मार्कशीट आपको जारी होता है कि जैसे ही आपको मार्कशीट वहाँ से अपने कार्यालय से भेजेंगे, तो वहाँ पर सभी छात्र छात्राओं को वहाँ पर सूचित करेंगे, और उसके साथ साथ जो भी आपका पदाधिकारी कार्यालय में भेजे जाने का, और जो भी +2 स्तरीय शिक्षण संस्थान में के जो भी आपका यहाँ पर मार्कशीट भेजे जाएंगे, तो उसमें आपका यहाँ पर क्लियर रूप से उसको ऑफिशियल नोटिस जारी करना पड़ता है तभी आपको, नहीं तो काफ़ी ऐसे होते हैं तो जैसे कि काफ़ी छात्र का दूसरा फोटो लग जाता है, नहीं तो काफ़ी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें नाम वगैरह में त्रुटि हो जाती है, तो उसका मार्कशीट वगैरह नहीं मिल पाता है। तो ये आपको क्लियर समझना है। तो बिहार बोर्ड ने मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट, ये सभी आपका डॉक्यूमेंट कॉलेज में CLC, ये सभी आपके कॉलेज में आ चुका है। तो और उसके साथ साथ आपको एक क्या क्या मिलेंगे, तो आपको क्लियर समझना है कि मार्कशीट आपका आ चुका है, तो मार्कशीट के साथ साथ आपको मिलेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेंगे, फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो आचरण प्रमाण पत्र, ये आपको विद्यालय से आपको वहाँ पर बनवा कर लेना होता है, अर्थात कि वहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र विद्यालय को आपको बोलकर, आपको जो भी +2 कॉलेज होंगे और जो भी +2 विद्यालय होंगे वहाँ पर आप बोलेंगे, तो आपको वहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र देंगे, तो ये आपका ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो आप यहाँ पर क्लियर समझ चुके हैं। आप चलिए बात करते हैं कि आपको मार्कशीट कब से आएंगे, और उसके साथ साथ विद्यालय में कब से आपको बटाने की स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस में क्या बताया जा रहा है, ये ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित छात्र छात्राओं के अंक पत्र जिला के शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेज जाने का, वहाँ से +2 स्तर शिक्षण में संस्थाओं में प्रधान के द्वारा प्राप्त कर संबंधित छात्र छात्राओं को वितरण कराने के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, एतद् द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित छात्र छात्राओं का उन अभिभावकों, शिक्षक संस्थान के प्रधान, जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी के, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला के शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित छात्र छात्राओं का अंक प्रमाण पत्र और अपंडित प्रमाण पत्र, अर्थात की प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सौ प्रोविजनल प्रमाण पत्र, और उसके साथ साथ यहाँ पर CRT शिक्षण के संस्थाओं में द्वारा प्रतिनियुक्त विशेष दूत के माध्यम से शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालय में भेज दिया गया है। यहाँ पर देखिए दो नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि +2 स्तरीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अनुरोध है कि अपने संस्थाओं के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित छात्र छात्राओं को अंक प्रमाण पत्र, अवबंधित सह प्रोविजनल प्रमाण पत्र एवं लिस्ट इसका जारी कर दिया गया, अर्थात कि आपके विद्यालय में जो भी आपका +2 विद्यालय होंगे, चाहे आपका कॉलेज होंगे, तो उस कॉलेज में आपका जिला के शिक्षा पदाधिकारी को, जो भी आपका प्रिंसिपल टीचर होंगे, उन्हें बोल दिया गया है कि आपके जो भी आपका ऑफिस होंगे, अर्थात कि जो भी आपका यहाँ पर आपके लिए शिक्षण संस्थान पर आपका यह मार्कशीट वगैरह सब भेज दिया गया है, तो वहाँ से आपके कॉलेज जाकर उसे प्राप्त कर लेंगे, और उसके बाद प्राप्त करके यह KYP वगैरह की प्रक्रिया समाप्त कर सिग्नेचर वगैरह कर आपको मार्कशीट, प्रोविजनल और उसके साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने में आपका मिल जाएंगे। तो आप इस यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, जिला के शिक्षक पदाधिकारी कार्यालय में प्राप्त किएंगे अंक पत्र का मिलने के आवश्यक कर लेंगे। यदि आप अंक पत्र के पैकेट में पदाधिकारी कार्यालय में अलिम्बम वापस करने का सुनिश्चित करेंगे, तब उसे हम संस्थाओं से प्राप्त कर सकेंगे। यह अंक प्रमाण पत्र, सौ प्रोविजनल प्रमाण पत्र छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर देखिए बताया जाए प्राप्ति कर तथा क्रेस के लिए, यहाँ पर आगे का पॉइंट है जो कि आपके यहाँ पर बताया जा रहा है, स्कूल के शिक्षण संधारित्व में रहेंगे, अर्थात कि आपका कॉलेज के लिए नोटिस जारी किया गया है। आपको क्लियर समझना है कि आपका मार्कशीट आ चुका है आपके DRCC ऑफिस में, वहाँ से DRCC ऑफिस से आपके जो भी +2 विद्यालय होंगे, चाहे आपका कॉलेज होंगे, वो आपको प्राप्त कर लेंगे, और वो प्राप्त करने के बाद KYP का प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उसके साथ साथ आपको उसके पर मार्कशीट पर सिग्नेचर
वगैरह, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर वगैरह कर आपको विद्यालय आपको भेज देंगे। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर देखिए 30 नंबर पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया शिक्षण संस्थाओं में प्रधान के विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित छात्र छात्रों को अंक पत्र वितरण करने में पूर्व उसको मिलना चाहिए। अगर शिक्षण संस्था में रचित अभिलेख के आवश्यक कर लेंगे मिलना में, अगर मान लीजिए यदि आपका छात्र छात्रों का अंक प्रमाण पत्र में त्रुटि कोई भी त्रुटि बच गया, जैसे कि फोटो तथा किसी दूसरे छात्र का फोटो लग गया है, नहीं तो व्यक्ति का फोटो मुद्रित नहीं, उस व्यक्ति का फोटो नहीं मिल रहा है, अथवा फोटो का मुद्रित नहीं अथवा अस्पष्ट फोटो की मुद्रित अर्थात कि आपका फोटो अस्पष्ट नहीं है, तो ऐसे अंक प्रमाण पत्र अर्थात कि मार्कशीट को छात्र छात्राओं के कार्यालय में उसे हस्ताक्षर कर नहीं कराए जाएंगे और ऐसे त्रुटिपूर्ण पत्र को उसे सक्ष रहित आग्रह पत्र को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय में अकादमी भवन में अवस्थित प्रदान करेंगे। अर्थात कि काफ़ी ऐसे बार होता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अंक टूट, यानी कि मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ में किसी भी चीज़ का त्रुटि हो चुका है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, तो उस डेट ऑफ बर्थ वगैरह चाहे किसी व्यक्ति का फोटो वगैरह सही नहीं मैच कर रहा है और नाम लीजिए किसी दूसरा व्यक्ति का फोटो लग गया है, इसी रूप से भी आपका मार्कशीट को आपको क्या करेंगे तो वह आपके स्कूल में वहाँ पर बोल रहा है कि सिग्नेचर वगैरह आपको प्रिंसिपल को नहीं करना है, उस मार्कशीट को पुनः उसे वापस लौटा देना है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के यहाँ पर स्थान पर, तो वह आपको सुधार कर लेंगे, कार्रवाई की जाएगी, आगे आपका जमा के करने का स्थित आदि छात्र छात्राओं का अंक प्रमाण पत्र फोटो संबंधित त्रुटि रह जाती है तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें संपूर्ण जवाबदेही संबंधित शिक्षण संस्थाओं को प्रधान ही होंगे। अगर मान लीजिए कोई भी अंक प्रमाण पत्र फोटो वगैरह में त्रुटि रह जाता है, अगर मान लीजिए उस पर आपका प्रिंसिपल विचार नहीं करता है तो इसका उस पर जवाबदेही आपका टीचर ही होंगे, अर्थात कि जो भी आपका प्रिंसिपल होंगे, क्योंकि वह आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लियर रूप से बता दिया है अगर मार्कशीट में कोई भी त्रुटि है तो अभी आपको समय दिया गया है तो उस समय अवधि में आपको सुधार कर लेंगे, प्रिंसिपल वगैरह सभी चीज़ वहाँ पर देख कर ही अपना सिग्नेचर करेंगे। अगर ऐसे सिग्नेचर कर लेंगे तो फिर उसका मार्कशीट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय में वापस नहीं लिया जाएगा और वापस नहीं लिया जाएगा तो उस पर आपका मार्कशीट का जवाबदेही आपका शिक्षण संस्थान का प्रधान ही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपका मार्कशीट वहाँ पर आपका त्रुटिपूर्ण बच जाएगा। सभी जिला शिक्षा अधिकारी अनुरोध है कि समिति के द्वारा भेजे गए इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित छात्र छात्राओं का अंक पत्र और प्रोविजनल और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए पैकेट के संबंधित मान्यता शिक्षण संस्थाओं के प्रधान उनके द्वारा विधित प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्राप्त करेंगे, व्यवस्था करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए अपने स्तर के अनिवार्य का निर्देश देते हुए छात्र छात्रों को अंक पत्र वितरण कराते समय किसी दूसरे छात्र छात्रों को अंक पत्र उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आपका अंक प्रमाण पत्र आए तो आपको खुद वहाँ पर जाकर अंक प्रमाण पत्र लेना है, क्योंकि आपका मार्कशीट लेना है प्रोविजनल SLC, क्योंकि आप वहाँ पर जानते हैं वहाँ पर जाएंगे तो आपको सिग्नेचर वगैरह भी करना होता है तो आपको खुद जाना पड़ेगा मार्कशीट लेकर, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेजना है, यह आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लियर रूप से बता दिया गया है तो आप यहाँ पर क्लियर समझ चुके हैं। जिला के शिक्षा अधिकारी के लिए वापस करना होगा, सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित शिक्षण संस्थाओं के प्रधान प्राप्त कराई जाएंगे और सभी का मार्कशीट आपका प्रिंसिपल वगैरह जो भी आपका कॉलेज का होंगे वो आपको प्राप्त करा देंगे। तो यही है आपका ऑफिशियल अपडेट और उसके साथ साथ आपको मार्कशीट के साथ साथ क्या क्या मिलेगा मैं आपको क्लियर बता दिया, प्रोविजनल प्रमाण पत्र मिलेंगे और वो आपका आचरण प्रमाण पत्र जो आपके कॉलेज के द्वारा इसे दिया जाता है अगर ग्रेजुएशन में आप नामांकन लेंगे, उसके बाद यह तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे ही और उसके बाद आपको मार्कशीट मिलेंगे, तो टोटल आपको 4 से 5 डॉक्यूमेंट आपको मिलने जा रहा है तो आपको क्लियर समझना है। इसका पैसा वगैरह आपको कॉलेज में नहीं लगेगा, आपका काफ़ी ऐसे विद्यालय होता है जहाँ पर पैसा लिया जाता है तो आपको उस पर कार्रवाई करना है, तो आपको क्लियर समझ जाना है कि आपका मार्कशीट वगैरह आ चुका है, मार्कशीट वगैरह आपको मात्र इसी सप्ते के अंदर अर्थात कि 7 दिन के अंदर में सबको आपको अपना अपना मार्कशीट आपको मिल जाएंगे कॉलेज से, आपको क्लियर समझना है। तो चलिए इतना ही था आज के अपडेट में, जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर और उसके साथ साथ इस यूट्यूब चैनल पर भी अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि आपके चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, तो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको वहाँ पर बेहद आसान रहेगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो किसी चीज़ का जानकारी आपको सबसे पहले सही और सटीक जानकारी आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही था, आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब सबसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।